नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस नई वीडियो में स्वागत है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंस्पायर स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको अपना बैंक डिटेल्स कब ऐड करना है अपनी इंस्पायर प्रोफाइल पे, ठीक है, कब करना है और कैसे करना है, सारी चीज़ें आज मैं क्लियर करूँगा गाइज, और हर एक जो कन्फ्यूज़न है आपकी बैंक डिटेल से रिलेटेड सारी दूर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए गाइज, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइज, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिखने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए गाइज, शुरू करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम ओपन करना है, वहाँ पे टाइप करना है आपको इंस्पायर, ठीक है। इंस्पायर आप टाइप जैसे ही करेंगे, आपको जो सबसे पहले लिंक दिख रही है इंस्पायर होम पेज करके, उसको आप जाके क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे, आपको इंस्पायर का जो होम पेज है पूरा का पूरा डैशबोर्ड है सब कुछ आपको दिखने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसको धीरे धीरे मैं एक्सप्लेन करूँगा नई नई वीडियोस में, लेकिन आज हम पूरा का पूरा फोकस साइन इन पे करते हैं और इसके अंदर की बात करते हैं, ठीक है। तो आप जाके अपना लॉगिन आईडी चेक कर सकते हैं, पासवर्ड चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर जिन लोगों को लॉगिन आईडी तो पता है लेकिन आप अपना पासवर्ड नहीं जानते हो, तो आप नीचे रीसेट पासवर्ड पर क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। तुरंत बस आपको ईमेल आईडी डालनी होगी और ईमेल आईडी पर पासवर्ड तुरंत चला जाता है, तो आप यहाँ से फिर से आके लॉगिन कर सकते हो उस पासवर्ड का यूज़ करके, ठीक है। तो हम साइन इन पे क्लिक कर देंगे, साइन इन हो गया हमारा। अब देखिए, साइन इन करने के बाद ही बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको दिखने लगेंगे, ठीक है। चार ऑप्शन दिख रहे हैं, पहले सबसे पहला है हमारा इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप, फेलोशिप, फैकल्टी, ठीक है। ये सारी चीज़ नीचे आपको दिख रहेंगे, रिवार्ड, ये सारे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कई बार आप डालते हो गलत हो जाते हो, तो फिर से आपको अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें बाद में बात करें, लेकिन आज हम बात करेंगे स्कॉलरशिप के बारे में, ठीक है, बैंक अकाउंट के बारे में। तो हमें सबसे पहले अपना एक ही जो ऑप्शन है स्कॉलरशिप, उसी पे बस क्लिक करना है, और किसी पे आप क्लिक करोगे कुछ भी नहीं ओपन होगा, ठीक है। बस आप अपना स्कॉलरशिप क्लिक कीजिए, ठीक है। स्कॉलरशिप आपने क्लिक कर दी, आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएंगे, जैसे कि रिलेटेड जो लिंक्स है राइट हैंड साइड में, जैसे कि व्यू ऑफर लेटर, ठीक है। तो आपको व्यू ऑफर लेटर पे क्लिक करना है। अब देखिए, जो व्यू ऑफर लेटर है आप इस पर क्लिक करोगे, आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है सब कुछ यहीं पे दिखने वाली है, ठीक है। तो डोंट वरी, अब इस व्यू ऑफर लेटर को अच्छे से रीड करना है, जो भी हमारे सामने दिख रहा है इसको आप अच्छे से रीड करना है, स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो गाइस, आपकी सारी चीज़ें दिख ली, सब कुछ आपने रीड करना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए, सबसे नीचे यहाँ पे द स्कॉलरशिप विल बी प्रोवाइडेड डायरेक्टली टू यू थ्रू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू योर बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा जो पैसे होते हैं गाइज, हमारे जो SBI का बैंक अकाउंट है उसी में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, ये जो बैंक अकाउंट होना चाहिए स्टूडेंट के नाम पे होना चाहिए और इस इंडिया में ही होना चाहिए, ठीक है, तभी ये चीज़ें पॉसिबल है। और एक चीज़ याद रखनी है गाइज, कि जो हमारा बैंक अकाउंट होगा उसमें कोई भी लिमिट नहीं होना चाहिए ट्रांसफ़र के लिए, ठीक है। जैसे कई बार वो ट्रांसफ़र करते हैं, कई बार 1,80,000 कई बार कर देते हैं, एक ही बार 1,20,000 करते हैं, तो ऐसे उनको ट्रांसफ़र करते टाइम सिचुएशन फेस ना करनी पड़ेगी कि वहाँ पर आपको लिमिट दिखाने लगे, ठीक है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि वहाँ कोई भी लिमिट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कुछ और भी फ्री वाले जो अकाउंट होते हैं, जैसे कि जनधन वाला हो गया, जीरो बैलेंस ओपनिंग अकाउंट हो गया, इन सबको बोला जा रहा है कि यहां पे आपको अकाउंट को अवॉइड करना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इन सब से रिलेटेड ये सारे अकाउंट आपके नहीं होने चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो भी हमारा अकाउंट होगा हमारे नाम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही होना चाहिए, ठीक है, याद रखना है। कोई भी और बैंक अकाउंट मान्य नहीं होता है, वो रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अब आप देखिए, अब अपने बैंक डिटेल्स को कैसे ऐड करोगे, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए गाइज, यहाँ पे जो भी हमारा रिलेटेड लिंक है, व्यू ऑफर लेटर, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, बैंक डिटेल्स, यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स पे क्लिक करना है। बैंक डिटेल्स यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिखने लगेंगे, ठीक है। बैंक डिटेल्स में आप नीचे आ जाओगे, देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको अपना जो 11 डिजिट का जो भी SBI का अकाउंट नंबर होगा यहाँ पे आप डाल सकते हो, उसका IFSC कोड डाल सकते हो, ठीक है। पासबुक कंटेनिंग अकाउंट नंबर एंड एड्रेस, ठीक है। तो पासबुक जो भी आपका है गाइज, उस पर सारा एड्रेस होना चाहिए, जो फर्स्ट पेज होता है ना वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे दिख जाएंगी, उसी फर्स्ट पेज को यहाँ पे डाला जाता है, ठीक है। एंड आपको अपना आधार कार्ड नंबर भी डालना होता है गाइज, ठीक है, यहाँ पे डाल देंगे और जो भी आपकी फर्स्ट प्रोफाइल होगी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक चीज़ आपको याद रखना है गाइज, कि जो हमारा अकाउंट होगा वो आधार से कनेक्टेड होना चाहिए, याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले ये भी ध्यान देना है कि आप अपना आधार अकाउंट से लिंक करा चुके हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको हमेशा देखने को मिलेंगी, कि ऊपर देखते ही रहे हो आप लोग, ठीक है, कि कैसे कैसे हमने अकाउंट डिटेल्स के जो भी ऊपर दिख रहा है ना रेड कलर में, ठीक है, वही चीज़ है जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि कैसे कैसे आप अपना एंटर कर सकते हो। और देखिए गाइस, कैसे मैंने पासबुक को एंटर किया है, यहाँ पासबुक आपको दिख रहा है ना, ठीक है, मैंने बैंक से पूरा बकायदा उसको वेरीफाई भी करा
रखा है, साइन वाइन लगा रखा है और फोटो भी यहाँ पे होनी चाहिए, ध्यान दे रहा है ठीक है ना। उसके बाद एड्रेस वड्रेस सब चीज़ दिखे रही है, ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आया आपको सभी को अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप सारी चीज़ अपलोड कर दोगे, देन आप अपना काम करोगे, सेव कर दोगे, हो जाता है ना, ठीक है। ये सारी वैसे तो अपलोड करने के बाद, आधार कार्ड एंटर करने के बाद ये अपने आप सेव हो जाते हैं, वैसे उस टाइम आपको सेव करने का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है ना, याद रखना है। क्लियर होगा गाइस कैसे आपको करना है? जब आपको ऑफर लेटर आएगा तभी आपको वहां पे दिखा रहेगा कि आपको अब अपना अकाउंट खुलवाने के लिए ट्राई कर लेना चाहिए। अब जाके अभी आप खुलवा लीजिए, या फिर पहले से है तो फिर बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक चीज़ आप हमेशा याद रखोगे, जैसे आप अपना इंस्पायर फॉर्म डालते हो ना, तो आप पहले ही SBI अकाउंट रखना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। अभी आप खुलवा लीजिए, अदरवाइज आप फिर बाद में लेट हो सकते हैं, क्योंकि कभी भी आपको अपलोड करने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। क्योंकि तुरंत आप खुलवाएंगे, क्या पता तुरंत आप डालो, क्या पता वो रिजेक्ट कर दे, ठीक है ना। तो इसीलिए सारी चीज़ें एक्टिवेट करा लीजिए, हर एक चीज़ आप देख लीजिए, ध्यान दे दीजिए कि मेरा हर एक जो कैश लिमिट है ट्रांसफ़र करने के लिए वो लिमिट है कि नहीं है, या फिर अगर लिमिट होगी तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना, आपके नाम पर है कि नहीं है, जो भी चीज़ें हैं आपको ध्यान देना है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है पैसे ट्रांसफ़र करने के बाद। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं कि मेरे को पैसे नहीं आए हैं, तो ये थोड़ा सा बैंक में ही प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है ना। तो आई होप गाइस आपको सभी को अच्छे से ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और हर एक जो टर्म है आपको अच्छे से, हर एक लिंक को अभी धीरे धीरे मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा जो जो वीडियोज आते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।